सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिव्यानी इंटरनेशनल, वाइनलास बायोटेक, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स एंड एक्सारो टाइल्स के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 14 अगस्त 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 4 से 6 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 86 से 90 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 90 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 165 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 10% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 55 से 57 रुपए के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 90 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। 57 रुपए के प्रीमियम के साथ यह आईपीओ करीब 147 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आज की डेट में देखें तो इसका प्रीमियम काफी बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो अभी भी यह काफी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम करीब 66 रुपए के हाईएस्ट स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था और आज आप देख सकते हैं इसका प्रीमियम करीब 55 से 57 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन यह भी बात सही है कि इसका प्रीमियम एक समय पर काफी नीचे चला गया था, करीब 40 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम चला गया था, जो कि मार्केट में गिरावट हुई थी, मिड कैप शेयरों में गिरावट हुई थी, जिसके कारण इसका प्रीमियम काफी नीचे चला गया था और निचले स्तरों से काफी बढ़िया रिकवरी भी देखने को मिली है। तो देखिए यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो अभी प्रीमियम काफी बढ़िया चल रहा है और यहां पर लिस्टिंग के दिन आपको जो है इससे ज्यादा भी प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ सकता है। करीब 50% से लेकर 80% के बीच में आपको इस शेयर में पहले दिन यानी लिस्टिंग के दिन ही प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए जिस जिसको ये आईपीओ अलॉट हुआ है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन पहले से ही, क्योंकि यहां पर जो 8 आईपीओ अभी लाइन में है जो कि एक एक करके लिस्ट होने वाले हैं, उनमें ये आईपीओ मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन देगा। तो यहां पर ये आईपीओ जिसको मिला होगा वो किस्मत वाला ही होगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। नेक्स्ट आईपीओ है वाइनलास बायोटेक का आईपीओ और ये आईपीओ भी 4 से 6 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 448 से 460 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 460 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 30 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 90 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कल के दिन भी इसका प्रीमियम करीब 90 रुपए के आसपास ही चल रहा था, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नीचे था, यानी कि 460 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। 90 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 550 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए इसका प्रीमियम अगर हाईएस्ट बात करें तो 130 रुपए के आसपास चल रहा था और मिनिमम बात करें तो ये जीरो तक भी पहुंच गया था, यानी कि यहां पर कोई भी ट्रेड होती हुई नजर नहीं आ रही थी। यानी कि अगर ऊपरी स्तरों से देखें तो थोड़ा सा नीचे जरूर है, 40 रुपए के आसपास नीचे है, लेकिन निचले स्तरों से देखें तो काफी बढ़िया रिकवरी इसमें आ चुकी है और अभी करंट प्रीमियम की बात करें तो यहां पर आपको करीब इशू प्राइस के मुकाबले अप्रोक्सीमेटली 18 से 20% का लिस्टिंग गेन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम मुझे लगता है कि इस आईपीओ के जो ओवरऑल प्रीमियम की परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी बढ़िया यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। देखिए दूसरे जो आईपीओज हैं जो कि लिस्ट हो चुके हैं उनसे हालांकि ये कम है, 20% का प्रीमियम कम है, लेकिन निश्चित रूप से इस आईपीओ के डेटा को अगर कंपेयर करें तो ये आईपीओ जो प्रीमियम अभी चल रहा है उतना भी मिल गया तो काफ़ी बढ़िया इसके लिए होगा। तो देखते हैं कितना प्रीमियम मिलता है लिस्टिंग के दिन। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 4 से 6 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 933 से 954 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 954 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 15 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया था। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 280
रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 954 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। 280 रुपये के प्रीमियम के साथ है ये आईपीओ, करीब 1234 रुपये के आसपास लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम थोड़ा सा घटता हुआ नज़र आ रहा है। घटता हुआ नज़र इसीलिए आ रहा है क्योंकि कल के दिन इसका प्रीमियम करीब 320 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आता था और यहाँ पर इसका प्रीमियम 280 रुपए के आसपास आज के दिन पहुँच गया, यानी कि प्रीमियम में करीबन 40 रुपए की गिरावट यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। अगर ऊपरी स्तरों से देखें तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस आईपीओ के प्रीमियम में है। करीब इसका जो हाईएस्ट प्रीमियम था 550 रुपए के आसपास गया था, 560 रुपए के आसपास, और अभी इसका प्रीमियम 280 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी प्रीमियम में काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम ये और ज्यादा नीचे करीब 225 रुपए के आसपास तक पहुंच गया था, यानी कि काफी ज्यादा गिरावट इसमें हो चुकी है, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी भी देखने को मिली है। तो देखिए यहां पर आपको प्रीमियम जो है ठीक ठाक देखने को मिलेगा, करीब 30 से 60% या छोटा अगर रेंज ले लें तो 30 से 50% के आसपास आपको इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है लिस्टिंग के दिन। तो देखिए ये भी आईपीओ मुझे लगता है जो 8 आईपीओ हैं दूसरे नंबर पर लिस्टिंग गेन के लिहाज से ये आईपीओ होना चाहिए। वहीं नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट आईपीओ है एक्सारो टाइल्स लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ भी 4 से 6 अगस्त के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो करीब 118 से 120 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 120 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 125 शेयर थे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 40% का रिजर्वेशन यहां पर देखने को मिला था। अब देखिए यहां पर लिस्टिंग गेन की बात करें तो देखिए यहां पर 4 से 6% का प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 120 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट हुआ है 6 रुपए के प्रीमियम के साथ। ये आईपीओ करीब 126 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं यहां पर प्रीमियम में कुछ भी ज्यादा चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर आपको बताएं तो यहां पर प्रीमियम काफी कम चल रहा है, यानी कि 5% के आसपास अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिस्टिंग के बाद इस शेयर को अगर आप होल्ड करते हैं तो ये आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न कमाने की क्षमता रखता है ये शेयर। तो देखते हैं किस तरीके से इसमें परफॉर्मेंस होता है। लिस्टिंग गेन तो इसमें कम ही मिलेगा, करीबन 10% भी मिल जाएगा तो काफ़ी बढ़िया है। मुझे लगता है कि उससे कम पर भी ये शायद लिस्ट हो, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसमें काफ़ी बढ़िया तेजी दिखने की उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।